हाय गाइस, फिर से आप लोगों के एक नए ब्लॉग पर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज कुछ खास होने वाला है। आज आप लोगों को बेहतर हम लोग जानकारी देने वाले हैं, बेहतर चीजों को दिखलाने वाले हैं। तो आप लोगों का हमारे चैनल फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं सुग्रीव गुफा घोड़लता। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से चट्टान का ढांचा बना हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सी स्टोरी है, कहानी है। जिस तरह से हम लोगों को जानकारी है कि प्राचीन काल में सुग्रीव अपने बड़े भाई बलि के डर से यहाँ छुप कर रहते थे और यहीं पे भगवान राम से उसकी मुलाकात हुई थी सुग्रीव की। तो देखिए अंदर का हम लोग दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरह से है। आप लोगों को यहाँ का सीन दिखाते हैं क्योंकि ये घोड़लता काफी फेमस है। क्या क्या यहाँ पे खास तो हम लोग देखते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो इस साइड देख सकते हैं सामने में बाबा जलकुंड। ये जो जलकुंड है ये गर्मी में भी पानी का जो लेयर देख रहे हैं इतना ही रहता है और हमेशा ठंडा रहता है। और बताया जा रहा है कि ये जो गुफा है इसमें गर्मी के दिन में आइएगा तो बिल्कुल एसी की तरह यहाँ पे ठंडा लगता है। तो पानी भी हमेशा यहाँ पे फ्रीज की तरह बिल्कुल ठंडा रहता है जो कि काफी बेहतर है। देखिए गुफा किस तरह से है, आप लोग नजारा देखिए, सीन देखिए काफी उधर। और थोड़ा दिखाने का लोग प्रयास करते हैं, उस साइड में देख रहे होंगे आप लोग, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा उस साइड में काफी आगे तक गुफा दिखाई दे रहा है, सुरंग दिखाई दे रहा है और पानी का आवाज उधर से आ रहा है इस तरफ से। तो आप लोग इधर भी देखिए, यहाँ पे पूजा पाठ भी होता है, यहाँ पे शिवलिंग भी है इस साइड में। यहाँ पे लोग प्रेयर करने के लिए भी लोग आते हैं, मन्नतें मांगने के लिए आते हैं, पूजा करने के लिए आते हैं, यर्चना करने के लिए आते हैं, जो कि काफी अलौकिक है। ये प्राचीन काल से यहाँ का इतिहास है। तो देख रहे हैं कि काफी यहाँ पे अट्रैक्टिव लुक है। और फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं इस जगह का नाम दिया गया है निर्झर और यहाँ का पानी बिल्कुल ठंडा है। जो सुग्रीव गुफा हम दिखाए उसी तरह से यहाँ का पानी बिल्कुल ठंडा है और इस पहाड़ से ना जाने कितने जगह भी इस तरह से पानी आती है जो कि 24 घंटा यानी पूरा साल भर सभी मौसम में सेम ठंडक रहती है और बिल्कुल शुद्ध जल है। आप लोग देख सकते आगे भी सीलिंग रखा हुआ है और इस जगह पे पालकोट के बहुत सारे लोग यहाँ पे पानी लेने के लिए आते हैं। जो कि पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यहाँ का जल को। तो देखिए कुछ अंकल लोग हैं जो पानी भर रहे हैं घर ले जाने के लिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पानी आ रहा है नल के माध्यम और इमेजिंग वाली बात यह है कि चट्टान जो पहाड़ है ऊपर की जगह में है और ऊपर से पानी हमेशा रात दिन 24 घंटा पूरा साल भर यहाँ पे पानी गिरते रहता है पाइप के माध्यम से। यहाँ पे कोई सोलर सिस्टम नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन भी यहाँ पे पानी हमेशा गिरते रहता है। लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। अगर आप लोगों को मौका मिलता है तो आप लोग इस जगह जरूर आइए और कभी स्नान करिए क्योंकि इसमें बिल्कुल ठंडा पानी आता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ अंकल हैं, वो लोग कपड़ा वगैरह धो रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग आए हैं पालकोट और इसका पुराना नाम है पंपापुर, जो कि गुमला से 25 किलोमीटर और रांची से 100 किलोमीटर है और सिमडेगा से 55 किलोमीटर पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए एक काफ़ी आकर्षक गुफा दिख रहा है, ये शीतलपुर पर्यटक स्थल इसका नाम दिया गया है, शीतलपुर है। देखिए अंदर में पानी का आवाज़ भी सुनाई दे रहा है, काफ़ी
लोग इसमें आते जाते भी हैं, देख सकते हैं, लोग सामने से जाके देखने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग आप लोगों को कुछ और बेहतर जगह का दिखाते हैं। दिखाई दे रहा होगा सामने में गुफा की तरह। इसी रास्ते से बलि आया जाया करते थे। ये एक सुरंग रास्ता है, संकरा है। देखिए गुफा के अंदर से जाते थे वो। तो देखिए यहाँ पे काफी डरावना लग रहा है। तो गुफा के अंदर में है, ताने हम लोग फर्स्ट टाइम भी आ रहे हैं, काफी डरावना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग गुफा में घुस के हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे भी दिखाते हैं और क्या क्या नजारा है। वीडियो ऑन करके जलाना पड़ेगा फ्रेंड्स। देखिए हम लोग थोड़ा सा लाइट जला के दिखा रहे हैं, अंधेरा दिखाई दे रहा है, उससे भी देखिए। काफी अंधेरा है, उस पार भी काफी लंबा सुरंग दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग उस पार नहीं जा रहे हैं। देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ से पानी बह रहा है, हम लोग पहाड़ के काफी ऊपर आ चुके हैं, चट्टान के अंदर अंदर पानी जा रहा है। तो इधर भी देख सकते हैं हम लोग घुसे हुए हैं, लोग चट्टान के अंदर में है। गुफा के अंदर से देखिए किस तरह से। तो ये था, इसको शीतलपुर जगह का नाम दिया गया है, देख सकते हैं। और भी हम लोग आप लोगों को आगे दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए अब हम लोग ऊपर आ रहे हैं, इधर देखिए पुराना किस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है, डिजाइनिंग है और इस और भी आकर्षक लग रहा है। देखिए हालांकि अभी बरसात का मौसम, इसलिए साफ सफाई शायद नहीं हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा झुंड वगैरह है। तो आइए इधर से भी देखते हैं हम लोग दोस्तों। इधर से और भी काफी खतरनाक गुफा है, तो आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों इधर आइए, इधर हम लोग थोड़ा सा घुस के देखते हैं। यहाँ भी काफी डरावना जगह दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा लोग प्रयास करते हैं। इसे हम देख सकते हैं, इसे देखिए बनावट भी, अंधकार है तो फिर हम लोग प्रयास कर आप लोगों को दिखाने का। देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइनिंग भी गुफा के अंदर में, शिल्पकार लोग यहाँ पे चट्टान को दूसरे तरीके से रूपांतरण किया हुआ है। ऊपर भी देख रहे हैं थोड़ा सा छेदा से रोशनी आ रही है। ये और इधर भी दिखाते हैं, और खतरनाक गुफा है। देखिए नीचे की तरफ बहुत आगे तक, इसमें भी लोग आते जाते हैं, रास्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि पता नहीं गुफाओं के अंदर किस तरह से होगा। तो इस तरफ भी देख सकते हैं, ऊपर का थोड़ा सा सीन दिखाते हैं।
चमगादड़ वगैरह भी देखिए उड़ रहा है। फिर हमारा दोस्त जाने का प्रयास कर रहा है अंदर। बहुत आगे तक है, हाँ? दोस्तों आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस तरह से गुफा में घुस के जो हम लोग कभी नहीं घुसे। देखना इधर छेदा भी है काफी नया बया है ना। कह कि देखिए दोस्तों यहाँ पे भी गड्ढा है, दिखाई दे रहा होगा। अगर यहाँ से लोग गलती से अगर फिसल जाते हैं तो शायद नीचे तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से खतरनाक जगह है। इस साइड भी देखिए है ना। हम लोग प्रयास कर आप लोगों को दिखाने के लिए। इधर भी देखिए काफी संकरा गुफा है। और हमारा दोस्त थोड़ा जिगर वाले लग रहे हैं जो अंदर भी जा रहे हैं। काफी डरावना है दोस्त है ना, लेकिन क्या करें, फर्स्ट टाइम आए हैं। इधर भी देखिए और इसके नीचे से पानी का आवाज सुनाई दे रहा है, पानी बह रहा है। उस साइड भी काफी संकरा जगह है, गुफा है। तो चलिए हम लोग आगे नहीं जाते हैं क्योंकि पता नहीं कहाँ पे फिसल जाए पैर। तो हम लोग फिर बाइक हो रहे हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है पालकोट का दृश्य। पालकोट ये प्रखंड है। तो चलिए दोस्तों और भी आप लोगों को बेहतर दिखाते हैं, यूनिक दिखाते हैं गुफा। इस साइड में आइए, काफी इमेजिंग भी लग रहा है इधर। इस साइड से भी सुरंग है, इधर से भी लोग नीचे जाते हैं। अंदर का सीन देख देखिए इधर भी खतरनाक जगह है। ऋषियामुख पर्वत पर बाली नहीं जाता था क्योंकि उसे श्राप मिला हुआ था। अगर उस जगह पे जाता तो उसका देहांत हो जाता, इसलिए वहां पे नहीं जाता था, जिसकी वजह से सुग्रीव वहाँ पे छुप के रहता था। और जब सारी बात राम भगवान को पता चला तो भगवान ने बाली का वध करा दिया। उसके बाद में सुग्रीव को सिकंदरा का राजा बनाया जाता है। इसके बाद वो सुग्रीव वहाँ का राजा बन चुका था। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो ये खतरनाक जगह आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और आगे हम लोग आप लोगों के लिए बेहतर बेहतर वीडियो लेकर आएँ, अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएँ। तो दोस्तों आप लोग वीडियो वॉच की इसके लिए आप सारे लोगों को थैंक्स। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।